नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिसेन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 6 एयरबैग अनिवार्य नहीं, कारों पर नियम को जरूरी नहीं करेगी सरकार। और बॉम्बे डाइंग जापानी कंपनी को बेचेगी 22 एकड़ जमीन को बेचेगी 5,200 करोड़ रुपए में। विदेशी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही हैं। 2022 और 23 के दौरान देश में 49.93 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आया है। RBI के सालाना आंकड़ों के मुताबिक ये 2021-22 में 40.73 लाख करोड़ के FDI से 6.9% ज्यादा है। इक्विटी में 47.75 लाख करोड़ और डेंट में 2.18 लाख करोड़ का निवेश इसमें शामिल है। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा 51.9% FDI आया। सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 42.8% रही। 2022-23 के दौरान देश में सबसे ज्यादा FDI अमेरिका से आया है। बॉम्बे डाइंग जापान की सुमितोमो रियल्टी एंड डेवलपमेंट कंपनी को 22 एकड़ जमीन 5,200 करोड़ रुपए में बेचने वाली है। वाडिया समूह की बॉम्बे डाइंग ने बुधवार को यह जानकारी दी। वैली में इस भूकंप की बिक्री मुंबई के इतिहास का सबसे बड़ा जमीन सौदा होगा। बॉम्बे डाइंग ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि सुमितोमो की अनुशंसा गोइसू इस सौदे का भुगतान दो चरणों में करेगी। पहले चरण में 4,675 करोड़ रुपए और शेष 525 करोड़ रुपए कुछ शर्तों के पूरे होने के बाद चुकाएगी। बयान के अनुसार इस सौदे को मंजूरी देने के लिए बॉम्बे डाइंग के निदेशक मंडल ने बुधवार को बैठक की। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड ने पर्यावरण अनुकूल कोयला परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अगले कुछ वर्षों में 61 संपर्क परियोजना पर 24,750 करोड़ रुपए पूंजी निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया ने बयान में कहा कि खदानों से निकलने वाले कोयले को नजदीकी परिवहन केंद्र तक पहुंचाने से संबंधित ये परियोजनाएं 3 चरणों में स्थापित की जाएगी। FMC परियोजनाएं पूरी होने पर इनकी कुल वहन क्षमता 76.35 करोड़ टन की होगी। कोल इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोयला परिवहन का पर्यावरण अनुकूल होना जरूरी है ताकि कोयला खदानों के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बर्नार्ड अर्नॉल्ड की कंपनी LVMH के ग्लोबल लग्जरी ब्रांड क्रिश्चियन डायर ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में 3,317 वर्ग फीट रिटेल स्पेस लीज पर लिया है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक यह एग्रीमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज और क्रिश्चियन डायर ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुआ है। इससे कुछ दिनों पहले AVMH के ही एक अन्य लग्जरी ब्रांड लुई विटन ने भी जियो वर्ल्ड प्लाजा में 7,365 वर्ग फीट की 4 यूनिट लीज पर ली थी। एनारॉक रिटेल के CEO और ज्वाइंट MD पंकज रिजन ने कहा कि भारत में अच्छी खासी आय वाला विशाल मध्य वर्ग है, इसके चलते दुनिया भर के ब्रांड यहाँ पर आ रहे हैं। रिटेल सेक्टर में भारत जितनी संभावना अभी कहीं नहीं है। लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि अक्टूबर 2023 से सरकार गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को अनिवार्य करने वाली है, लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है कि सरकार 6 एयरबैग्स को अनिवार्य नहीं करेगी। यह सुरक्षात्मक कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए उठाया गया था। हालांकि वाहन कंपनियां इसके अनुपालन को अनिवार्य किए जाने के पक्ष में नहीं थी। उनका कहना था कि 6 एयरबैग्स को अनिवार्य करने से खासकर छोटी कारों की लागत बढ़ जाएगी। गडकरी ने एयरबैग पर सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि हम कारों के लिए 6 एयरबैग का नियम अनिवार्य नहीं बनाना चाहते हैं। एयरबैग किसी दुर्घटना की स्थिति में यात्री को वाहन के ठोस हिस्सों से सीधी टक्कर से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। हादसे की स्थिति में यह गुब्बारे की तरह खुलकर यात्री को सीधी टक्कर से रोकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 6 एयरबैग अनिवार्य नहीं, कारों पर नियम को जरूरी नहीं करेगी सरकार। और बॉम्बे डाइंग जापानी कंपनी को बेचेगी 22 एकड़ जमीन को बेचेगी 5,200 करोड़ रुपए में। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।